आज बात करेंगे फोटोशॉप में एक ऐसे टूल के बारे में जो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का टूल है, लेकिन बहुत ही कम डिजाइनर्स के बारे में जानते हैं, उसको यूज करते हैं। इस टूल का नाम है स्लाइस टूल। इस टूल को दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तरीका होता है किसी फोटो को बिना क्रॉप करे उसके किसी खास एरिया को, किसी खास पार्ट को अलग से सेव करना। जैसे मेरे पास ये एक PNG है और PNG में से मुझे सिर्फ ये वाला डिज़ाइन निकालना है बिना क्रॉप करे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी एक लेयर ले लेते हैं, Ctrl J दबाएंगे और इसकी एक लेयर बनाएंगे हम। अब यहाँ पे अपना टूल लेंगे, स्लाइस टूल, सभी ने देखा है। जितने एरिया को अपने को क्रॉप करना है हम उसको क्रॉप कर लेंगे यहाँ से, या कहीं स्लाइस कर लेंगे हम इसको यहाँ से। अब मुझे इस वाली स्लाइड को अलग से सेव करना है, तो मैं दबाऊंगा Ctrl Alt Shift S। यहाँ पे JPG मोड होना चाहिए, सेव किया। अब यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्लाइसेस, तो ऑल स्लाइसेस की जगह हम लिखेंगे सिलेक्टेड स्लाइस, सेव कर देंगे। चेक करते हैं, फोल्डर बन गया और हमारा जो सिलेक्टेड स्लाइस था वो बिना क्रॉप करे अलग से हमने सेव कर लिया। ऐसे ही एक बार में हमें अलग अलग पोर्शन मान लीजिए सेव करना है, या हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हम देखते हैं 9 फोटोज़ की एक ग्रिड लगाई होती है, तो वो कैसे लगाते हैं? तो उसके लिए एक कॉर्नर का मैंने पोस्टर डिज़ाइन कर रखा है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, पूरा पोस्टर सिलेक्ट किया एक साथ, राइट क्लिक किया और डिवाइड स्लाइस। अब यहाँ पे आप जितने भी पार्ट्स में अपने डिज़ाइन को डिवाइड करना चाहते हो उतना कर सकते हो। हमें इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो हम 3 और 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, तो ये 9 इमेजेस की ग्रिड हमें एक साथ मिल जाएगी। हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, इधर 2 कर दिया। जितने भी इमेजेस हमें एक साथ सेव करनी है हम उस हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। बस 3-3 का करके दिखा देता हूँ, देन ओके। अब हमें क्या करना है, Ctrl Alt Shift S एंड सेव। डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉपर 9 ग्रिड्स का हमारे पास एक फोल्डर बनकर आ गया। तीसरा और सबसे कमाल का जो उसका यूज़ है वो है ईमेलर सेव करना। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होती हैं एज अ डिज़ाइनर। ईमेलर भी उनमें से ही एक चीज़ है आप जो आपको बना के देनी होती है। नॉर्मल आपने क्रिएटिव बनाया और उस पर लिंकिंग कर दिया, लिंक लगा दिया, तो लिंक कैसे लगाते हैं स्लाइस टूल की हेल्प से, चलो दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ईमेलर डिज़ाइन है जो बनाया मैंने। इस पर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा है स्किन, बाथ एंड बॉडी, हेयर, ये सब एक बटन की तरह काम करे। तो बहुत सिंपल इसका तरीका है, आपने सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करनी है, इस सारे डिज़ाइन को मर्ज करना है। तो उसका क्या तरीका है, Ctrl Alt Shift E, एक लेयर बन गई, तो सारा डिज़ाइन एक लेयर पे आ गया। अब आपने क्या करना है, स्लाइस टूल लेना है और जो भी बटन आप चाहते हो, जो भी वर्ड को आप बटन बनाना चाहते हो, आपने उसको अलग से कट कर लेना है। बहुत सिंपल ही तरीका है, एक एक करके जो भी चाहते हो आप बटन का काम करें, आप उसको अलग से कट करते जाओ। मैं चाहता हूँ ये सारे वर्ड एक बटन की तरह काम करें, तो मैं इनको अलग से कट कर रहा हूँ। आप चाहो तो पूरा डिज़ाइन भी एक बटन की तरह बना सकते हो। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी एक क्लिक का काम करवाना चाहता हूँ, ये एक बटन की तरह काम करे, इसके लिए मैं इसको अलग से काट रहा हूँ। ये नीचे आइकन से मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक बटन की तरह काम करे, तो इसको मैं अलग से थोड़ा सा और जूम करके करते हैं इसको।
आप देख रहे हो जो जो आप कट कर रहे हो वो तो स्लाइस कट हो ही रहा है, साथ में जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी अपने आप में कटिंग हो रहा है और एक अलग से इमेज बन रहा है। तो आपने जिस पे आपने लिंक लगाना है आपने सबकी कटिंग कर ली। अब मैं चाहता हूँ इन सब पे लिंक लगाना, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा एडिट स्लाइस ऑप्शन। मैं इसकी नेमिंग करूँगा ताकि जब हम फाइल किसी को फॉरवर्ड करें या हम भी फाइल जब ओपन करके देखें तो इमेज का नाम हमें पता हो अलग से और उस पर क्या लिंक लगा है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ स्किन। अब जहाँ URL लिखा है यहाँ पे मुझे बस इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं कंपनी की वेबसाइट पर जाता हूँ और स्किन की कैटेगरी ओपन करी, यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया, देन पेस्ट किया। ओके, ऐसे ही बाथ एंड बॉडी का लिंक लगाते हैं। लिंक कॉपी किया, देन पेस्ट, और इस पर नेमिंग कर देते हैं इसकी यहाँ पर। ऐसे ही आपने बाकी लिंक लगाने हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा भी एक लिंक की तरह काम करे, एक बटन की तरह काम करे। तो यहाँ पे मैं कोई भी ऑफ़र या वेबसाइट का मेन पेज लगा देता हूँ, या आप जो भी ऑफ़र पेज लगा सकते हो। मैंने वेबसाइट का मेन पेज कॉपी किया और यहाँ पर उसका URL लगा दिया, मेन पेज। मैं चाहता हूँ जब शॉप नाउ पे क्लिक करूँ तो यही वाली किट का पेज ओपन हो। इसके लिए बड़ा सिंपल है, वेबसाइट पे गए, इसका प्रोडक्ट का नाम सर्च किया, इसका नाम भी कॉपी कर लेते हैं और टाइम सेव करते हैं। अब इसका लिंक, सेम इस प्रोडक्ट का लगाते हैं। राइट क्लिक, एडिट स्लाइस ऑप्शन, नेम पेस्ट किया, देन लिंक पेस्ट किया। ऐसे ही नीचे के जो हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स हैं यहाँ पे लिंक लगाते हैं। मैं एक लगा के दिखा देता हूँ आपको। कॉपी किया इनवेदा का पेज एंड देन एडिट FB एंड पेस्ट। इसी तरीके से आपने बाकी लिंक पे लगाने हैं। अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ कि सेव कैसे करना है। वही कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, या फिर आप कर सकते हो एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। यहाँ पे JPG मोड रहना चाहिए। यहाँ पे आपने इसको फिर सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है, पहले फोल्डर सेलेक्ट किया, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इमेजेस ओनली लिखा था हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे HTML एंड इमेजेस, नीचे ऑल स्लाइसेस सेलेक्ट होना चाहिए और सेव कर देंगे। अब एक बार चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे गए, ईमेलर का जो फोल्डर आपने बनाया उसके अंदर आपने सेव किया। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक HTML की फाइल और इमेजेस की अलग से कटिंग जो आपने करी है। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, HTML की फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। अब जो जो आपने लिंक लगा के देखे थे वो लिंक चेक कर लेते हैं। स्किन पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने लिंक लगाया वहाँ पे बटन की तरह शो कर रहा है और जहाँ नहीं लगाया वहाँ नॉर्मल कर्सर दिखा रहा है। तो बटन पे क्लिक किया और स्किन की कैटेगरी ओपन हो गई। बाथ एंड बॉडी पे क्लिक किया, बाथ एंड बॉडी की कैटेगरी ओपन हो गई। एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। आप देखो इस वाले पूरे एरिया पे मैंने
लिंक लगाया तो ये पूरे पे बटन शो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा। एक बार इस बटन को चेक कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपने सारी फाइल अपनी चेक करनी है प्रॉपर। फेसबुक का भी एक बार चेक कर लेते हैं, फेसबुक का भी सही काम कर रहा है। ये सारी फाइलें आपने, ये फाइल और ये फाइल, दोनों फाइलें आपने कॉपी करके अपनी मार्केटिंग टीम को देनी है। आप इसको जिप फोल्डर में दीजिए। आप फॉरवर्ड कर दीजिए अपनी मार्केटिंग टीम को और आपका ईमेल एकदम रेडी है। उसके बाद मार्केटिंग टीम का काम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके कुछ काम आएगी। अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं बट डिजाइनिंग की जॉब नहीं मिलती तो क्या गलतियाँ वो कर देते हैं, या डिजाइनिंग की जब इंटरव्यू होता है तो क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं क्या क्या सवाल पूछता हूँ और क्या क्या चीज़ देख के मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरे टॉपिक पे बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।